सो गाइस यदि आप भी अपने YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम आना चाहते हैं, YouTube एप्लीकेशन के द्वारा लाइव स्ट्रीम आना चाहते हैं, और यदि आप लाइव स्ट्रीम आते हैं तो कुछ इस तरह का इशू आता है, यानी प्रॉब्लम आती है, तो इसे सोल्व करना चाहते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे, तो इस वीडियो को पूरी तरह देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्या गाइस कि बहुत सारे यूट्यूबर्स लाइव स्ट्रीम आना चाहते हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, लाइव स्ट्रीम में कुछ इस तरह की इशू आती है और वो लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं गाइस कि लाइव स्ट्रीम तो आते हैं लेकिन कोई और एप्लीकेशन यूज करते हैं जिसका डिफेक्ट यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा पड़ते हैं गाइस। सो गाइस यदि आप अपने चैनल को सिक्योर रखना चाहते हैं, आप अपने चैनल पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ने देना चाहते हैं, तो आप इस इशू को सोल्व करके आप अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम आ सकते हैं। तो सो गाइस मैं मनोज, आप देख रहे हैं मनोज दीवान की, अभी तक मनोज दीवान के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी प्रेस कर ताकि जब नई अपलोड करके तो आपको पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम अपने यूट्यूब एप्लीकेशन के द्वारा यूट्यूब में लॉगिन हो जाते हैं, तो इसके लिए गाइस हम यूट्यूब एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर गाइस देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल का लोगो देखने को आपको मिल जाती है, और यहाँ पर आपको एक वीडियो का आइकन देखने को मिल जाती है। तो गाइस यदि आप अपने यूट्यूब एप्लीकेशन के द्वारा लाइव स्ट्रीम बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो का आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर वीडियो के, लाइव, पोस्ट। तो गाइस यदि आप अपने YouTube पर वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो आइकन पर क्लिक करके वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम बात करना चाहते हैं तो लाइव के ऑप्शन पर क्लिक करके लाइव स्ट्रीम बात कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो लाइव स्ट्रीम में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि हम लाइव स्ट्रीम के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाती है गाइस, यानी गाइस आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाती है योर चैनल डज नॉट मीट आउट अपडेट एजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर मोबाइल लाइव स्ट्रीम। यहाँ पे जब आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाते हैं। तो ये जो इश्यू आ रही है गाइस, इसको हल करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको वहां से बैक कर लेना है गाइज। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर चैनल का आइकन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पे गाइज आपको योर चैनल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। गाइज जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाते हैं, यहाँ पे गाइज देख सकते हैं ये मेरा चैनल है मनोज दीवानगी के, और यहाँ पे आपको एक और इंटरफेस देखने को मिल जाती है कम्युनिटी के। तो सिंपली गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर कम्युनिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। गाइज यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाती है, यहाँ पे गाइज आपको एक और इंटरफेस देखने को मिल जाती है थ्री डॉट के, सिंपली आपको थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर और इंटरफेस देखने को मिल जाती है हेल्प एंड फीडबैक, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे गाइस तो आपका इंटरफेस है जो कुछ इस तरह का देखने को मिल जाती है, यहाँ पे गाइस आपको सेंड फीडबैक का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाती है। इसके बाद गाइस आपको जो लाइव स्ट्रीमिंग जो प्रॉब्लम आ रही है, जो इशू आ रही है, वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है गाइस, चलिए मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ, और यदि आपको लिखने नहीं आता है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी करके इसे पेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस मैंने यहां पर लिख दिया है, जैसे कि आपको पढ़ के सुनाते हैं। डियर यूट्यूब टीम, आई हैव कंप्लीटेड द 1K सब्सक्राइबर एंड आल्सो नो स्ट्राइक ऑन माय यूट्यूब चैनल, बट माय लाइव स्ट्रीम इज नॉट वर्किंग, प्लीज रिसोल्व माई इशू इज सन एज पॉसिबल। तो गाइज इस तरह का आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद गाइज आपका जो YouTube चैनल का जो लिंक है, URL है, वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, और यहाँ पर गाइज आपका YouTube चैनल का जो नाम है वो नाम आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एक तीर का आइकन मिल जाती है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करके और इस फीडबैक को सेंड कर देना है। इसके बाद गाइज कुछ टाइम लगेगी, यानी कि 2-4 दिन टाइम लगेगी। इसके बाद क्या होगी कि आपका जो लाइव स्ट्रीम इशू जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए मैं ये फीडबैक है इसे मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, और इसके बाद मैं आगे का प्रोग्रेस आपको बताता हूँ। सो गाइस मेरे YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम से रिलेटेड जो इशू आ रही थी, यानी प्रॉब्लम आ रही थी, उसका जो फीडबैक था YouTube टीम के पास सेंड किया हुआ करीबन 48 घंटे हो गए हैं, और इसके बाद मेरे गूगल अकाउंट पर यानी कि जीमेल अकाउंट पर एक मेल आया है, और मेल में लिखा हुआ है कि आपका जो लाइव स्ट्रीम से जो रिलेटेड जो इशू था उसे हटा दिया गया है। तो गाइस चलिए मैं अपने यूट्यूब एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके मैं चेक करता हूँ कि मेरा जो लाइव स्ट्रीम का जो इशू था उसे हटा दिया गया है या तो अभी नहीं हटाया गया है। तो चलिए सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर जो वीडियो का आइकन मिलती है, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाती है, यहाँ पर गाइस आपको लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन मिल जाती है। चलिए मैं लाइव स्ट्रीम के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो गाइस जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाती है, और यहाँ पर जो मेरा इशू आ रही थी यानी प्रॉब्लम आ रही थी गाइस जिसे हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टाइटल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन, और यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन, यानी कि गाइस यहाँ पर आप टाइटल लिख के और इसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह जो आपका जो लाइव स्ट्रीम पर जो इशू आ रही थी यानी प्रॉब्लम आ रही थी इसे आप हटा सकते हैं। आई होप ये वीडियो को काफी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों पर शेयर करिए। जल्दी समय में आए तो कमेंट बॉक्स लिखकर अगली वीडियो समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगली वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।